वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे भारत से लेकर 16 नवंबर तक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि किस राज्य में, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में महिलाओं को नगरीय निकायों से मतलब यहाँ पे है म्यूनिसिपैलिटीज, तो नगरीय निकायों में 33% आरक्षण देने वाला बिल पारित किया है। तो यह राज्य है नागालैंड, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो नागालैंड सरकार ने क्या क्या है कि 33% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए फिक्स किया है, कहाँ पे, नगरीय निकायों में। तो नागालैंड विधानसभा द्वारा नागालैंड म्युनिसिपल बिल 2023 पारित किया गया और इसमें शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए एक तिहाई मतलब कि 33% सीटें आरक्षित की गई। इसके लिए नागालैंड की 14वीं विधानसभा, ध्यान दीजिएगा कौन सी विधानसभा, 14th विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। दूसरा प्रश्न, हाल ही में जारी क्यू एस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस देश की पेकिंग यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, पेकिंग, को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह है चीन की यूनिवर्सिटी जिसका नाम है पेकिंग यूनिवर्सिटी, तो वर्ल्ड रैंकिंग में इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में Q5 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की सूची में पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की शीर्ष पर रही है, टॉप पे रही है। और इसके बाद हांगकांग यूनिवर्सिटी हांगकांग और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इसको जो है दूसरा स्थान, और इसको जो है सिंगापुर वाली जो यूनिवर्सिटी है उसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी बॉम्बे की अगर बात किया जाए तो आईआईटी बॉम्बे भारत में शीर्ष पे रहा और उसको इस रैंकिंग में 40वें स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य ने खो खो प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने हेतु आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है, तो यह राज्य है उड़ीसा। आप यहां पे देख सकते हैं ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो राज्य में खो खो प्रतिभा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में खो खो प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने हेतु आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन, ध्यान दीजिएगा, शीत तेल उत्पादन किस राज्य में खोली जाएगी। ठीक है, तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है। तो यह स्टेट है गुजरात। तो गुजरात में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन संयंत्र स्थापित की जाएगी और इस संयंत्र की स्थापना भारत बोटेनिक्स द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, भारत बोटेनिक्स के द्वारा। अब भारत के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र असम गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित है और जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक है जो कि 1.24 मिलियन बैरल पर डे की इसकी कुल क्षमता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के द्वारा दिवाली उत्सव 2023 को यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन किया गया, तो ये है UAE। क्या, UAE। तो हाल ही में UAE के द्वारा दिवाली उत्सव 2023 को यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है और राज्य सरकार ने यह नीति ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ही ड्रोन को लेकर उपजी सुरक्षा की नई चुनौतियों से निपटने के लिए निर्धारित की है। और इस नीति के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश में अब ड्रोन के खिलाफ नो टेक ऑफ की व्यवस्था लागू हो जाएगी। हाल ही में एशिया और प्रशांत के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी।
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 13 से लेकर 16 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में भारत सहित 36 सदस्य देशों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी पशु चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सम्मेलन में महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए लचीलापन और क्षमता निर्माण में पशु चिकित्सा सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। हाल ही में आयोजित दुबई एयर शो 2023 में अंतरिक्ष अनुभव कार्यक्रम का फोकस क्या था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये था एरो स्पेस नवाचार, ऑप्शन नंबर बी। तो एरो स्पेस नवाचार के तहत दुबई एयर शो 2023 में अंतरिक्ष अनुभव कार्यक्रम का फोकस एरो स्पेस नवाचार है और दुबई एयर शो 2023 का आयोजन 13 से लेकर 17 नवंबर तक दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में किया जा रहा है और यह एक रोमांचक कार्यक्रम है जो एरो स्पेस उद्योग के भविष्य को आकार देने का वादा करता है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के संरक्षण में आयोजित किया जाता है। विश्व दयालुता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 13 नवंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट OBI द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक में 129 देशों में कौन से स्थान पर रहा, ठीक है, तो भारत का स्थान जो है 129 देशों में 117वां स्थान रहा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक में भारत दुनिया के 129 देशों की सूची में 117वें स्थान पर है और फर्स्ट रैंक न्यूजीलैंड की, सेकेंड रैंक पुर्तगाल की, थर्ड रैंक नीदरलैंड की रही, ठीक है। सूचकांक कई उपायों का उपयोग करके जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता और सामान्य जनसंख्या के संदर्भ में समावेशित की जांच करता है। निम्नलिखित में से किस गायक संगीतकार को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, तो ये हैं ओपिलिनारिस डिसूजा को मंगलुरु में मांड शोभन के सहयोग से कुंडापुरा के कार्यवालो परिवार द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार के 19वें संस्करण का पुरस्कार प्रमुख कोंकणी गायक, गीतकार और संगीतकार ओपिलिनारिस डिसूजा को दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है वो कॉन्फ्रेंस वियना में हुई है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रिया के वियना के ओपेक सचिवालय में आयोजित की गई और भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की अपनी अगली उच्च स्तरीय बैठक 2024 के दौरान भारत में आयोजित करने पर सहमति हुई है। हाल ही में इनमें से कौन समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, तो ये है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है और यह कदम एक कानूनी ढांचा बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है जो सभी नागरिकों के लिए उनके लिंग, धर्म या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना उचित उपचार और अवसर सुनिश्चित करता है। समान नागरिक संहिता संविधान का अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है जो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की वकालत करती है। किस शहर में 14 दिन तक चलने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है, तो यह जो है यह है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस भारतीय नवाचार को अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 दिया गया, तो यह है S4S टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन सी बन गई, तो केवल इनका नाम याद रखिए, शीतल महाजन है।
इनको एक चीज़ और याद रखिएगा, इनको पद्मश्री से भी नवाजा नवाजा जा चुका है 2001 में। हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है, इनका नाम है डायना एडुलजी, ठीक है, ऑप्शन ए। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर संचालित होगी? ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। तो ये है 1037। तो भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब देश भर के 1037 स्टेशनों पर संचालित है, और यह पहला स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है, और यह योजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद द्वारा डिज़ाइन की गई है। तो ये भी याद रखिएगा कि अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है। योजना का पायलट प्रोजेक्ट 25 मार्च 2025 को शुरू किया गया था। हाल ही में किसे ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये हैं डेविड कैमरन, ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो यूके के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, और पीएम जैसा आपको पता होना चाहिए कि यूके के पीएम हैं ऋषि सुनक ने जेम्स क्लेवरली की जगह डेविड कैमरन को नया विदेश मंत्री चुना है। डेविड कैमरन 2010 से 2016 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह है श्रीलंका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट की आईसीसी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, और आईसीसी ने यह निर्णय एक सदस्य के रूप में दायित्वों के गंभीर उल्लंघन के कारण लिया है। तो गौरतलब है कि श्रीलंका विश्व कप 2023 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये हैं सुब्रत रॉय, ठीक, सुब्रत रॉय। तो सहारा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष सुब्रत रॉय 75 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में इनका निधन हो गया, और 1948 के बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत रॉय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत की थी। तो ये थे 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की घटनाएं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो, आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।